ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं अब अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, कल मैंने आपको स्ट्रिंग के बारे में पढ़ाया था, प्रैक्टिकल प्रोग्राम मैंने आपको स्ट्रिंग के बारे में इसमें मैंने बताया था। आज मैं आपको इसके अंदर कवर कराऊंगा स्ट्रिंग की थ्योरी, कि स्ट्रिंग हम किसे कहते हैं। तो देखिए, आपके पास स्टूडेंट्स स्ट्रिंग किसे कहते हैं। गुड मॉर्निंग दिव्या, गुड मॉर्निंग। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर। कल भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि स्ट्रिंग किसे कहते हैं। आपके पास स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर और ग्रुप ऑफ करेक्टर। जैसे किसी का नाम है तो ये क्या कहलाएगा, आपके पास स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, इट इज अचीव्ड। सी लैंग्वेज में इसको हम किस तरीके से अचीव्ड करते हैं, बाय यूजिंग एरे करेक्टर की हेल्प से। ओके, जो सी लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या है, एक वन डायमेंशनल एरे होता है करेक्टर का, ठीक है, जिसको हम टर्मिनेट करते हैं बाय ए नल करेक्टर, नल करेक्टर की हेल्प से। मैंने कल आपको बताया था, देखिए ये साइन के बारे में बताया था कि खत्म किससे होगा, नल करेक्टर से होगा। In other words, we can say that a string is a collection of character which is enclosed between, जिसको हम एक double quotes के अंदर रखते हैं। जो strings हैं वो हमेशा double quotes के अंदर enclosed होते हैं, whereas जो characters हैं, characters is enclosed within single quotes। String को आप double quotes के अंदर रखोगे और जो आपके पास characters enclosed होंगे वो single quote के अंदर आपके पास होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, डेक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग, कि अब स्ट्रिंग को किस तरीके से आप यहाँ पे डेक्लेयर करोगे। तो स्ट्रिंग्स आर डेक्लेयर्ड इन सी इन सिमिलर मैनर एज एरेज, वैसे ही करेंगे डिक्लेयर जैसे हम एरे में डिक्लेयर करते हैं। डिफरेंस क्या है कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो किस टाइप के हैं, आपके पास करेक्टर टाइप के। एक मिनट स्टूडेंट, मैं जरा तो जो आपके पास डिफरेंस के कि जो स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर टाइप का होता है। तो देखिए, आपके पास यहाँ पे हमने लिखा कैरेज ए डेटा टाइप, एस हमने एक वेरिएबल लिया और फाइव इसके अंदर आप कोई भी आप एलिमेंट्स आप इसके अंदर डाल सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे देखो, ये जीरो ऑफ एस है, ये वन ऑफ एस है, ये टू ऑफ एस है, ये थ्री ऑफ एस है, ये हो गया। फिर इनिशियलाइजेशन एरे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं इसके अंदर, इनटू वेरियस वेज इन सी लैंग्वेज। जैसे आपने ए बी सी डी लिखा है इसमें, या इसको आप ऐसे ऐसे भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो। ये स्ट्रिंग की फॉर्म में इनिशियलाइज किया, ये हमने करेक्टर की फॉर्म में इनिशियलाइज किया, ये भी हमने इसमें इनिशियलाइज किया। सी लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग है उसको हम पॉइंटर से भी इनिशियलाइज करते हैं। पॉइंटर्स भी हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे आपने यहाँ पे कैर इज इट पॉइंटर, एक हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें आपने इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट करे, तो ये पॉइंटर का साइन होता है आपके पास। ठीक है, तो एस जीरो ये हो जाएगा, एस वन ये हो जाएगा, टू ये हो जाएगा, थ्री ये हो जाएगा, ये नल करेक्टर हो जाएगा आपके पास। क्लियर है जी इतना स्ट्रिंग को अगर यूज, ये तो हमने पढ़ा था करेक्टर वाइज। अगर स्ट्रिंग को हमें यूजर से रीड करवाना हो, कैर स्ट्रिंग यहाँ पे हमने क्या लिया फाइव, तो फाइव करेक्टर्स आप कुछ भी आप दे सकते हो इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग को आप इनपुट करवा सकते हो परसेंटेज ऐसा ये डाल के। ये स्ट्रिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। यहाँ पे नेम इनपुट करवा, यहाँ पे यूअर नेम इनपुट करवा दिया। यहाँ से स्ट्रिंग को रीड कैसे करवाएंगे, यहाँ से नेम, यहाँ से ये रीड करवा दिया। स्ट्रिंग वेरिएबल जो एसटीआर है वो केवल एक वर्ड को लेता है, वो इसलिए क्योंकि जो वाइट स्पेस है उसको भी हम इनकाउंटर्ड करते हैं। तो स्कैनफ फंक्शन क्या कर देता है,
जो स्ट्रिंग वेरिएबल str है वो केवल एक ही वर्ड होगा, क्यों? क्योंकि जो वाइट स्पेस होता है वो उसको जो जो वाइट स्पेस को वो खत्म कर देता है। तो इस चीज से बचने के लिए देखो मैंने कल आपको बताया भी था गेट्स फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब गेट्स फंक्शन का यूज क्या होता है आपके पास, गेट स्ट्रिंग, ये किस लिए यूज करते हैं? अगर हमें स्ट्रिंग फ्रॉम कीवर्ड, स्ट्रिंग आई यूज टू गेट इनपुट एज ए स्ट्रिंग फ्रॉम कीवर्ड, मतलब कीवर्ड नहीं होगा यहाँ पे, कीबोर्ड होगा स्टूडेंट यहाँ पे, हमें कीबोर्ड से कोई चीज आपको इनपुट करवानी है। यूजिंग गेट्स वी कैन इनपुट मोर देन वन वर्ड, इसकी हम एक से ज्यादा जो है वो कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं। ऐसी पुट्स का मतलब क्या होता है, हमें स्ट्रिंग्स को पुट करवाना हो, जनरली पुट्स फंक्शन गेट्स फंक्शन के साथ ही हम यूज करते हैं, ठीक है? तो ये हम प्रोग्राम्स जो है हमने कल डिस्कस किए थे, इसमें कुछ इसके अंदर आपके पास लाइब्रेरी स्ट्रिंग फंक्शंस भी आपके पास होते हैं, जैसे strcpy, अगर हमें स्ट्रिंग की कॉपी करनी हो तो हम उसके लिए ये फंक्शन यूज करते हैं, यानी स्ट्रिंग s2 को हमने s1 में कॉपी कर दिया। strcat, अगर हमें दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना हो, कॉन्केटिनेट करना हो, तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। strlen, स्ट्रिंग की लेंथ हमने निकालनी है तो हम ये फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। कम दो स्ट्रिंग को हमने कंपेयर करना हो, रिटर्न जीरो शो करेगा अगर s1 और s2 दोनों सेम है, अगर जीरो से कम है, जैसे इफ s1 s2 ये जीरो से कम है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो अगर ये जीरो से बड़ा है, ठीक है, अगर ये जीरो से कम है तो आपको क्या करेगा, लेस देन जीरो, इफ ग्रेटर जीरो कब शो करेगा, जीरो s1 जो s2 से बड़ा है। फिर ऐसे ही आपके पास strchr फंक्शन आपके पास आता है, ये क्या काम करता है, रिटर्न से पॉइंटर, ये पॉइंटर को रिटर्न करता है टू द फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ कैरेक्टर सी एच इन स्ट्रिंग एस वन। तो ये कुछ आपके पास स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एक ऐसे ही आपके पास फंक्शन होते हैं यहाँ पे strstr, ये क्या करेगा, ये पॉइंटर रिटर्न करेगा टू द फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ स्ट्रिंग एस वन जो हमने एस वन में है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके अंदर स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए, एंड डिक्लेरेशन स्ट्रिंग साइज मस्ट बी रिक्वायर्ड टू मेंशन, स्ट्रिंग का साइज हमें पहले से मेंशन करना होता है, अदरवाइज वो एरर शो करेगा। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो स्टूडेंट ये इनवैलिड है, आपको पहले यहाँ पे साइज देना पड़ेगा, ये वैलिड है, ये गलत है और ये वैलिड है, ठीक है। और जो स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन साइज होता है आपके पास वो अनसाइंड का होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, नॉट नेगेटिव और जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन जीरो ओनली, ठीक है। मतलब आप इसमें ऐसे कर सकते हो कि आप, ये तो इनवैलिड है, ये गलत है, ये भी इनवैलिड है क्योंकि जीरो नहीं हो सकता, ये माइनस वन नहीं हो सकता, हाँ आप ऐसे ले, ठीक है। और फिर ये देखो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल हमने सिंटेक्स ले रखा है यहाँ पे, तो क्या सिंटेक्स आपने स्टूडेंट यहाँ पे ले रखा है, वेरिएबल नेम ले रखा है यहाँ पे, साइज आप कुछ भी दे दो यहाँ पे, जैसे ये str वेरिएबल नेम हो गया, साइज 5 हो गया, ओके जी। देखो ये वही चीजें जो मैंने ऑलरेडी आपको कल पढ़ा दी थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें यही है कि कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है आर नॉट इनिशियलाइज, देन रेस्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स विल बी इनिशियलाइज विद नल। कि जैसे अगर आप एस टी आर 5 लिखते हो, आपने ऐसे लिखा तो एस टी आर 0 में तो ये 5 जाएगा, 1 में प्लस जाएगा, 2 में ए जाएगा, ठीक है। जो रेस्ट हो जाएंगे उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, नल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है जी। ये स्ट्रिंग 4 भी नल हो जाएगा। इन इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि वी कैन नॉट इनिशियलाइज मोर देन साइज स्ट्रिंग एलिमेंट्स, कि अगर आपने साइज जो आपने इसमें क्या कहते हैं दे रखा है, क्या कहते हैं, देखो स्ट्रिंग के इनिशियलाइजेशन में कैन नॉट इनिशियलाइज मोर देन साइज, स्ट्रिंग के साइज से ज्यादा एलिमेंट्स को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, कि जैसे 2 साइज दे दिया तो बाकी के देखो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। साइज ऑप्शनल है, हाउ मेनी वेरिएबल्स एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज्ड इफ देन एरे एलिमेंट विल क्रिएटेड। तो इसमें आपके पास क्या होता है यहाँ पे, कि जैसे आपने इसमें यहाँ पे लिखा कि अगर हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो साइज ऑप्शनल है, किस केस में, कि हाउ मेनी वेरिएबल एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज्ड, कि कितने वेरिएबल एलिमेंट्स को आप इनिशियलाइज कर रहे हो, दैट एरे एलिमेंट्स विल क्रिएटेड। जैसे अगर आप यहाँ पे साइज नहीं भी दे रहे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ये वैलिड है, ठीक है। साइज ऑफ एस टी आर ये बताएगा कि आपके पास 4 बाइट,
when we are working with character array explicitly, null character does not occupy any physical memory at the end of the character array. कहते हैं कि अगर आप character array के साथ आप काम कर रहे हो तो क्या होगा, इसको example से समझते हैं। देखो जैसे मान लो हमने यहाँ पे तो ये तो hello लिख दिया हमने, इसमें तो साइज ऑफ ये 5 byte बता रहे हैं, ठीक है ना, कि when we are working with character array explicitly, null character does not occupy any physical memory at the end of the character array. अगर आप कैरेक्टर एरे के साथ काम कर रहे हो तो जो नल कैरेक्टर है फिर हमें ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं है लास्ट में, ठीक है। स्ट्रिंग डाटा एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग नल कैरेक्टर ऑक्यूपाई फिजिकल मेमोरी। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नल कैरेक्टर ले रहा है, यहाँ पे देखो हमने 5 यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे नल कैरेक्टर ले रहा है देखो आपके पास, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा। तो स्ट्रिंग डाटा जो है एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग नल कैरेक्टर ऑक्यूपाइज, नल कैरेक्टर को ऑक्यूपाई करेगा फिजिकल मेमोरी। मुझे जरा बताओ स्टूडेंट कि ये थ्योरी आपको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ओके जी, तो अब देखो इसके अंदर स्ट्रिंग की थ्योरी मैंने पढ़ा दी है, तो एक दो छोटे छोटे हम प्रोग्राम्स जो हैं स्ट्रिंग के हम डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे। डिस्प्ले स्ट्रिंग करेक्टर वाइज, अब हमें करेक्टर वाइज जो स्ट्रिंग को है ना हमें डिस्प्ले कराना है। तो देखो हम किस तरीके से डिस्प्ले कराएंगे, हैश इनक्लूड एसटीडी आईओ डॉट हैश डॉट हैश void main, फिर यहाँ पे char main, जैसे मैं यहाँ पे मान लो लिख लेता हूँ bit, कुछ भी आप लिख लो, cartoon लिख लो, bit लिख लो, ठीक है, int i is equal to 0 कर दो, ठीक है, clr scr clear by screen while i plus plus get cf सेव कर दो, यहाँ पे इसका नाम दे दो, यहाँ पे dc1, यहाँ पे जैसे हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया, alt f9 control f9। तो ये देखो जो हमने स्ट्रिंग को डिस्प्ले किया वो कैरेक्टर वाइज हमने क्या किया, डिस्प्ले किया। तो यहाँ पे देखो आपने क्या काम किया, ये इस तरीके से ये लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे आई बराबर 0 ले लिया, इसके अंदर सीलर नेम आई इज नॉट इक्वल टू 0 कि ये नल कैरेक्टर की इक्वल नहीं है, और हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया, परसेंटेज सी हमने कैरेक्टर के लिए लगाया, और आई प्लस प्लस क्यों यूज किया, ताकि अलग अलग कैरेक्टर को यहाँ पे क्या शो करे, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे साइज इसका डाल दूं, जैसे 4 डाल दूं, तो देखो क्या शो करता है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो आप ऐसे 6 आप डाल दो, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया, तो स्टूडेंट ये वाला प्रोग्राम क्लियर हुआ? जरा आप मेरे को बताइएगा कि ये देखो जो डिस्प्ले वाला हमने प्रोग्राम पढ़ा है, ये वाला आपको प्रोग्राम क्लियर है?
कोई ऐसी बात जो आपको पूछनी हो, अगर ये जो आप पूछना चाहते हो। अब इसके अंदर देखो मैं कुछ प्रोग्राम आपको करवाऊंगा स्टूडेंट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन का। तो ये देखो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एक प्रोग्राम हम पढ़ेंगे, प्रोग्राम टू फाइंड अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग strlen। यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे हार्ड टोन, हमने दे दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक्सेलेशन स्ट्रिंग सेंटेजेस एक्सेलेशन परसेंटेज डी कॉमा एसटीआर कॉमा एल। यहाँ पे इसका नाम मैंने दिया एलियन का। वो कहते हैं एसटीआर एनी शुड हैव अ प्रोटोटाइप। तो इसके लिए भी हमें स्टूडेंट जब ये आपको ऐसे एरर शो करे तो आपको इसके लिए हेडर फाइल खोलनी पड़ेगी इस एसटीआर एलियन फंक्शन के लिए। और वो हेडर फाइल आपके पास कौन सी होती है, यहाँ पे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, जो एसटीआर एलियन फंक्शन है वो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर होता है। स्ट्रिंग हमने लिखा हार्टन स्केल सेंटर, लेंथ कितनी है इसकी 20। हार्टन में कितने कैरेक्टर्स हैं, 4, 7, 3, 4, 5, 12, 12, 6, 18, दो ब्लैंक स्पेस को भी काउंट कर लो तो 20 कैरेक्टर्स आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे। फिर आता है स्ट्रिंग, अगला एक फंक्शन आपके पास आता है कि मुझे स्ट्रिंग की कॉपी करनी है स्टूडेंट। ये भी देखो बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है स्टूडेंट, इतना कोई वो नहीं है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। अब मुझे स्ट्रिंग की कॉपी करनी है तो इसके लिए हम strcpy फंक्शन यूज करेंगे, प्रोग्राम टू कॉपी ए स्ट्रिंग यूजिंग strcpy फंक्शन। पहले से हमने फाइल दे देते हैं void में, char source हमने वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने हार्टोन यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, char target, target आपने यहाँ 20 ये दिया इसके अंदर। अब आप क्या करोगे, दो मिनट में भी करवाता हूँ आपको। हम यहाँ पे टारगेट 20 हम यहाँ पे लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, clrsr यूज टू क्लियर द स्क्रीन, ठीक है। और ये लेने के बाद अब आप यहाँ पे क्या काम करोगे, strcpy स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। टारगेट के अंदर हमने यहाँ पे सोर्स कॉपी कर दिया, printf acceleration पर है परसेंटेजेस कॉमा सोर्स एंटर एक्सेलरेशन
और गेट स्ट्रिंग जैसे यहाँ पे दे दिया हमने इसके अंदर Alt F9 यहाँ पे दिया, Control F9 प्रेस करेंगे इसके अंदर हम तो सोर्स स्ट्रिंग हमारा हार्ड होने, टारगेट स्ट्रिंग में भी देखो ये फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब ऐसे एक छोटा सा फंक्शन हम और डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे प्रोग्राम टू कॉन्कैट स्ट्रिंग यूजिंग CAT string cat function name यहाँ पे इसके अंदर 50 आपने यहाँ पे दे दिया CAT हमने यहाँ पे लगाया नेम कॉमन यहाँ पे लिखिए अपनी स्किल, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप STRCAT लिखते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे भी नेम आपने इसके अंदर क्या कर दिया सेंटर और प्रिंट एफ स्लैश एम परसेंटेज एस मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ पे, तो इसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग यहाँ स्किल सेंटर, देखो इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या काम करो, स्पेस आना चाहिए तो एक इसमें स्पेस दे दो, बैक स्लैश एन यहाँ पे कोई यहाँ पे इस तरीके से स्पेस दो तो ऐसे ही ऊपर में यहां मत तो यहां दे दो, जैसे इधर थोड़ा सा इधर भी दे दो, ये देखो तो इस तरीके से आपके पास ये वाला फंक्शन भी आ गया, ठीक है। तो ये आज के अभी हम इस क्लास के अंदर इतना ही हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, ये सब आपको क्लियर हुआ, समझ में आया आप सबको, यहाँ तक कोई स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स में क्वेरी तो नहीं है। कल स्ट्रिंग के कोई एक दो हम प्रोग्राम्स जो है इसमें डिस्कस करेंगे, और टॉपिक जो है फंक्शंस का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग के टॉपिक्स हम कवर करेंगे, फंक्शंस का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट कल हम लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।